हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड आज हम बात करने वाले काफ़ी अच्छी आप लोग की रिक्वायरमेंट आ रही है कॉग्निजेंट टीम की तरफ से। ये आपका न्यू रोल होने वाला है प्रोसेस एग्जीक्यूटिव एनालिस्ट ऑनलाइन एनालिस्ट ADV से कुछ रोल का नाम है। ओके सैलरी आपका 4.5 प्लस LPA होने वाला है। देर इज नो परसेंटेज क्राइटेरिया, देर इज नो कोडिंग रिक्वायरमेंट और आप लोग इसमें जो है इजिली अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड अप्लाई करने के बाद फ्रेंड आपके पास एक मेल देखने को आएगा, प्रोफाइल स्क्रीनिंग सिलेक्शन मेल। अब इसके बाद क्या प्रोसेस होता है इसमें, अगर आपको ये पास मेल आया है तो इसे कैसे कंप्लीट करना, इसके बाद का क्या अपडेट है वो डिस्कस करेंगे। BBTEC MCA और हाई स्कूल एनी ग्रेजुएट एंड ब्रांच ऑल आर एलिजिबल टू अप्लाई। सो जल्दी फ्रेंड करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, आप लोग जब अप्लाई करते हो चाहे किसी भी रोल में अप्लाई करते हो आपके पास कुछ इस तरह का मेल देखने को आ जाता है। प्रोफाइल स्क्रीनिंग फॉर एन ओपन पोजीशन इन कॉग्निजेंट, बेसिक इसमें क्या लिखा गया है, वी आर प्लीज टू कंसीडर प्रोफाइल फॉर एन ओपन पोजीशन इन कॉग्निजेंट इन ऑर्डर टू प्रोसीड विद योर एप्लीकेशन, प्लीज अपलोड योर फोटो एंड फिल द कैंडिडेट डिक्लेरेशन फॉर्म 1 CDF 1 बाय एक्सेसिंग द बिलो लिंक। वंस यू सबमिट द फॉर्म आवर हायरिंग टीम विल रिव्यू योर एप्लीकेशन। क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स कैन एक्सपेक्ट टू रिसीव एन ईमेल फ्रॉम द कॉग्निजेंट रिक्वायरमेंट टीम विद द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस। तो बता दो फ्रेंड, मान लो कि ये वीडियो देखने के बाद ऑलमोस्ट मान लो 500 लोगों ने अप्लाई किया है, 500 में 100 लोग ही सिलेक्ट होंगे जिनका रिज्यूमे और एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगा। मैं बताऊंगा कैसे आप लोग रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवाओगे इस रोल के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मान लो 100 लोगों ने के पास मेल आता है, 100 लोग फिर अपना फॉर्म कंप्लीट करते हैं, फोटो अपलोड करते हैं, देन आपका CDF फॉर्म फिलअप करते हैं। इसके बाद क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मान लो कि 10 to 20 लोगों के पास आएगा फर्दर मेल, सभी के पास नहीं आएगा, ठीक है। जिनका भी फोटो और CDF फॉर्म भरेंगे उनके भी आपका जो डिटेल्स रहेगा वो चेकआउट करेंगे, रिव्यू करेंगे, उसके बाद आपको जो है कंपनी अपडेट करेगी। अब ये अपडेट कब तक आता है सर, तो ये आपका ऑलमोस्ट फ्रेंड जो है 1 वीक से लेकर आपका जो है 2 महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को मैं एक बताऊंगा, तो फिर 3 से 4 वीक ही वेट करना, उसके बाद आप लोग जस्ट मूव ऑन हो जाना। आप लोग समझ जाना कि हाँ हमारे पास कोई अपडेट्स अब देखने को नहीं आने वाले, मतलब 1 मंथ आप लोग वेट कर सकते हो ये मेल आने के बाद। ये मेल आया मतलब थोड़ा बहुत चांसेस है कि आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग पास ये भी मेल नहीं आता है अप्लाई करने के बाद। चलिए बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है, क्या है रोल, क्या है क्राइटेरिया, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको 1 एग्जाम या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू मेल देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना होगा, तो फिर आप लोग को सिंपली जो है नीचे आना है, आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन, क्लिक हियर, आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। और फिर मैं दिखा दूँ फिर ये जो पब्लिश कब किया गया है, वो सबसे बड़ा डाउट होता है आप लोग का, ठीक है। नीचे आओगे तो देखिए फिर ये आपका पब्लिश किया गया मार्च 10, आज आपका हो गया है 13 मार्च। मैं कल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब कि मैंने बात आ रही कोई से देख चुका था मैं कि हाँ रिक्वायरमेंट आ रही है, तो 10 मार्च रिक्वायरमेंट आई है। रिक्वायरमेंट क्या है सर, स्पीकिंग स्किल्स एंड MS Excel, मतलब कोडिंग कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और BBTEC और हाई स्कूल ग्रेजुएट अबव के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्या रोल से देख लेना, एनालिटिकल UTBTC क्लाइंट प्रोडक्ट टू द कस्टमर, ओके, डिजाइन एंड डेवलप इंटरनेट वेब पेजेस द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट विद इन द एग्री टू डेट, ठीक है। पोस्ट कुछ मेंशन किया गया है, चेकआउट करना, और MS Excel को जरूर मेंशन करना कि आपको ये आता है, ठीक है। अप्लाई करना काफ़ी सिंपल है, फिर आपको पहले यहाँ पर आना है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसे आप रिज्यूमे में जरूर एड करना है, ऑनलाइन एनालिस्ट ADV का रोल होने वाला है, प्रोसेस एग्जीक्यूटिव वॉइस, अप्लाई ना पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप या फिर ना यहाँ पर आपको एग्जाम भी आ सकता है और आपको डायरेक्ट इंटरव्यू भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग फिर ये चीज़ आप लोग रेडी रहना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग नीचे आना, जब आपने कॉपी करा इसके करना है, यहाँ पर आपको डाल देना है 9, यहाँ पर डाल देना है 0, यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, प्राइमरी कॉन्टेक्ट नंबर, पेन नंबर 9, ठीक है, यहाँ पर छोड़ देना। फिर आपको नेक्स्ट इसके अलावा आपको जो भी अलग से स्किल आते हो भी आप लोग मेंशन कर सकते हो, जावा हो गया, पाइथन हो गया, आप लोग मेंशन कर देना। फिर आपको नेक्स्ट करके आपको अप्लाई कर देना। मैं आपको दिखा दूँ फिर थोड़ा सा फिलअप करके भी कैसे होता है, ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पता नहीं नेक्स्ट वर्क नहीं होगा, नहीं पता, ठीक है। पेन नंबर पता नहीं क्या दूँ, ठीक है, अपना पेन नंबर दे देना, मैं करके दिखाई देता हूँ, ठीक है। पेन कार्ड नंबर देके मैं आपको दिखा दूँ ताकि आप लोग को जो है, यहाँ से आप लोग देख लेना, फिर आपको अप्लाई कर देना, ठीक है। तो कुछ डाउट है मेरे पूछ लेना, मेरे जय हिंद जय भारत।